कि सबसे पहली बात मैं दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहूंगी कि दिल्ली के जिन जिन लोगों का जीरो बिजली बिल आता है उनका जीरो बिजली बिल आता रहेगा, चाहे ये सरचार्ज बढ़े चाहे ये सरचार्ज घटे, ये उनकी सब्सिडी में शामिल है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर दिल्ली जैसे शहर में भी बिजली का दाम बढ़ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहा है। पीपीएसी यानी पावर परचेज अग्रीमेंट कॉस्ट जो 10 साल के लिए फिक्स होती है, लेकिन चाहे डीईआरसी हो या चाहे देश भर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हो, वो हर कुछ महीने बाद इस पावर परचेज की कॉस्ट को असेस करती है और बिजली कंपनियों को उस हिसाब से 3 महीने के लिए सरचार्ज घटाना बढ़ाना अलाउ करती है। आज क्यों दाम बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से आज देश में कोयले का दाम महंगा हो गया है। आज भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार एक कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो गई है। उस कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज की वजह से कोयले का दाम बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अब जबरदस्ती करी है कि कोई भी अगर कोयला खरीदेगा तो उन्हें 10% इम्पोर्टेड कोयला यूज करना पड़ेगा। इम्पोर्टेड कोयले की का दाम भारत के कोयले से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। अगर आप डोमेस्टिक कोल को यूज करिए तो वो तकरीबन 2,000 रुपये टन का आता है, लेकिन अब जो फॉरेन कोल इम्पोर्टेड कोल बिजली कंपनियों को यूज करना पड़ रहा है वो 25,000 रुपये टन आ रहा है। तो आज अगर बिजली के दाम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहे हैं, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़ रहे हैं। और हम तो ये भी जानना चाहेंगे कि जो कोल इम्पोर्टर्स हैं उनकी केंद्र सरकार की उनकी साथ क्या साठगांठ है कि 10 गुना दाम पर वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि कोयला खरीदना पड़ रहा है। जिनके बिजली के दाम दाम बढ़ेंगे आप ये कह रही हैं, मतलब 200 यूनिट से ज्यादा वालों का कितना असर पड़ेगा मैम, अगर इसको थोड़ा सा बता दें। समझना चाहते थी तो लोगों के बिल पे कितना असर पड़ेगा यूनिट वाइज भी, ये बिल वाइज भी आप। तो देखिए जिनके 200 यूनिट तक के फ्री बिजली बिल आते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनके बिल बिना सब्सिडी के आते हैं उनमें पर यूनिट कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टैरिफ तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। लेकिन 8% का सरचार्ज उनके बिल पे बढ़ेगा, तो अगर 100 रुपये का बिल आ रहा है तो वो 108 रुपये का बिल आएगा। और मैं फिर से दिल्ली के कंज्यूमर्स को बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से, बढ़ते हुए कोयले के दामों की वजह से। और मैं ये पूछना चाहूंगी केंद्र सरकार से कि क्या आपकी कोल इम्पोर्टर्स के साथ कोई साठगांठ है जो आप 10 गुना महंगा कोयला किसी भी बिजली के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी प्लांट जो भी कंपनी बिजली बना रही है उनके साथ आप जबरदस्ती कर रहे हो कि उनको 10% कोयला महंगे दामों पर खरीदना होगा ही होगा। मैं सरकार फ्री में बिजली देती है, ये 8% बढ़ने के बाद आपको कितना और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? देखिए उसका तो कैलकुलेशन हम कर लेंगे। क्या जो महंगा होगा सरकार उसको मैनेज कर सकती है कि लोगों पे ज्यादा भार ना पड़े? देखिए मैं तो केंद्र सरकार से पूछूंगी कि 75 साल में पहली बार कोयले का शॉर्टेज कैसे हो गया? देश में कोयले की कोई कमी नहीं है, भारत में कोयले की खदानों की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद अगर प्रोडक्शन में शॉर्टेज होता है तो ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज नहीं है क्या? क्या ये जबरदस्ती कोयला इंपोर्ट करने के लिए नहीं है क्या? क्या ये कोयला इंपोर्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है क्या? क्योंकि ये जो प्रोसेस है जिसमें हर 3 महीने बिजली के दाम के अनुसार ये सरचार्ज बढ़ भी सकता है, ये सरचार्ज घट भी सकता है। अगर बिजली का दाम कम होता है तो हर 3 महीने में ये सरचार्ज जो कैलकुलेट होता है ये एक डे टू डे प्रोसेस से कैलकुलेट होता है, तो 3 महीने के लिए सरचार्ज बढ़ भी सकता है, सरचार्ज घट भी सकता है। मैम एक और सवाल है, ज्यादा देना पड़ेगा लोगों को आप ये कह रही हैं? जी मैम एक और सवाल।